सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 8 बजे से, और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है। अभी तो मौसम साफ है और धूप भी खिल रखी है, लेकिन शाम के टाइम हमेशा बारिश लगती है। हमारे घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं, ज़्यादातर लोगों ने अपने खेतों में हल लगा ली है। ये देख सकते हो, किसी ने धान बोया है तो किसी ने मंडवा बोया है तो किसी ने झंगोरा बोया है। उसे जो गेहूं लाए थे वो काम भी पूरा हो चुका है, हमारा सिर्फ सुखाना बाकी रह रखा है गेहूं। मुझे जाना है खेत में, मम्मी तो चले गई है नाश्ता करके, और मैंने अभी घर का काम किया, झाड़ू वगैरह, मेरा झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, बर्तन वगैरह धोए, और भाई भी मार्केट जा रखा है। भाई तो जल्दी चले गया था सुबह में मार्केट, क्योंकि उसको सामान वगैरह लाना था स्कूल का, तो कॉफ़ी वगैरह भी लानी थी उसको कुछ, तो अभी वो मार्केट चले गया है। और मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट नीचे गैस वाले किचन में रख रखा है। तो अब मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी गौशाला, मुझे गौशाले से लानी है फैल्टी हो गई, दराती हो गई, और रस्सी ले जानी है मुझे यहाँ गौशाले से। फैल्टी ये रही, थमाली और रस्सी भी यहीं पे है, और ये है पहाड़ी फैल्टी, तो इसी पे हम घास को लाएंगे। एक रस्सी भी रख रखी है मैंने इस फैल्टी में, एक थमाली एक दराती। तो चलिए चलते हैं अब खेत में। खेत में जाने का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है, आप लोग देख सकते हो, और मुझे जाना है उधर खेत में। और अभी धूप भी नहीं लगी है हमारे इधर साइड, और अभी उधर खेतों में भी धूप नहीं लगी है। हमारे यहाँ धूप 10 बजे आती है, 10:30 बजे लगती है सभी जगह धूप। सुबह के टाइम ठंडा लग रहा है और दिन के टाइम गर्मी हो रही है भयंकर वाली, और शाम के टाइम भी ठंडा लग रहा है। और अभी मैंने पीठ पर स्वेटर भी लगा दी है। फाइनली मैं इधर साइड वाले खेत में भी पहुंच गई हूं, और धूप भी यहाँ खेतों में लगने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबके खेतों में हल लगी है, लेकिन हमारे खेतों में नहीं लगी है। और जिन्होंने हमारी हल लगानी है ना, उनके बहुत सारे खेत हैं, पहले वो अपने खेतों में लगाएंगे फिर हमारे खेत में लगाएंगे हल। और आज हमें जाना है ऊपर वाले खेत में, और मेरे पास मम्मी का फ़ोन भी है, और मम्मी का फ़ोन देखिए ऐसे फूट गया है। यहाँ पर ऊपर खेत में जाने का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है, यहाँ से छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और हम ऊपर भी लगा लेते हल, लेकिन यहाँ पे देखिए बैलों के लिए यहाँ पे ऊपर जाने के लिए नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ नीचे वाले खेत में लगाएंगे हल। और उधर हमने कुदाल से डाल दिए थे बीज, और आज यहाँ ऊपर की साइड भी हम कुदाल से डाल देंगे बीज। फाइनली मैं अपने खेत में भी पहुंच गई हूं, और मम्मी यहां पर लगी हुई है। मम्मी ने तो बीज बो लिया है, और हमने इस खेत में बोया है मंडवा, तो यहां भी हम कुदाली से बोएंगे बीज। जो ये खरपतवार है हम कुदाली से बोएंगे, इस बार हम हल नहीं लगाएंगे यहां खेत में। तो उधर वाले खेत में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, उधर वाले खेत में तो हमने बो लिया है, वहाँ हमने झंगोरा बोया, और इधर वाले खेत में हमने बो रखा है मंडवा, तो आज हम यहाँ भी कुदाली से बोएंगे बीज। और खेतों में बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे ये देखिए केले का पेड़ हो गया, तिमले का पेड़ हो गया, छंचरा हो गया, कड़वी हो गया, शारू हो गया, बांझ हो गया, खड़ीक हो गया, ठेलका हो गया, बहुत सारे पेड़ हैं इधर साइड हमारे। दोस्तों मम्मी को तो टेंशन हो रखी है, मम्मी बोल रही है सब ने अपने अपने खेत बो लिए हैं, सिर्फ बीज के खेत हमारे हैं, वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बिना हल के। तो मम्मी ने बोला कुदाल से वो करते हैं, बीज को बो लेते हैं, सिर्फ एक ही खेत में लगेगा नीचे वाले खेत में हल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी एक छोटे से गांव रैल गांव से। तो आज हम खेत में आ रखे हैं, और पौधा बो दिया है हमने मनुआ, पहाड़ों में तो पौधा ही बोते हैं, तो आज यहां पर हम मनुआ बो रहे हैं। तो रोहित की तो स्कूल है, और पेपर भी हो रहे हैं 20 तारीख है, टेस्ट है उसके, और हल किसने लगानी है, तो एक ही उसको तो आता है नहीं हल लगाना, आता भी नहीं है, अभी छोटा ही है, और 14 साल का है अभी, खाली देखने के लिए वो ऐसा, और साल तो कम ही है, और लगाना भी नहीं आता, बैल भी देते हैं गांव वाले पर, उसको आता ही नहीं हल लगाने का। आता बोल रही हूँ मैं कि इसको कुदाल से बोते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम एक
लगाई जेजी लगाएंगे हल और शाम को लगाएंगे या कल लगाएंगे। बस एक ही खेत है, दो खेत हमने कुदाल से बो दिए, एक झंगोरा बो दिया एक या और नीचे भी आधा हम झंगोरा बोएंगे आधा खेत मनवा बोएंगे। और अभी धूप हो रही है, सूर्य देवता भी हमारे यहाँ 9 बजे आते और अभी तो हमें घास काटना है। फिर वो यहाँ दुनिया भर का तो ये कबाड़ हो रहा है यहाँ, और गेहूँ का कबाड़ और गेहूँ का चिलों का कबाड़ हो रहा है। और हमारी तो बीच बीच के खेत हैं और अच्छे भी नहीं लगे, लोगों ने तो बो दिए हैं। और लोगों का भी क्या करना, उनका बो के भी वो तो कभी मदद भी नहीं करते हैं। पहले से जब से इनके साथ ख़त्म हुए तो तब उन्होंने कोई हेल्प नहीं की हमारी, और उनका क्या करना, गांव वाले करेंगे जो भी मतलब वो मदद अपने हेल्प करते हैं गाँव वाले, और वही लगाते पहले से हाथ और वही देते हैं मदद करते हैं। और उन लोगों का तो हम दे भी नहीं सकेंगे इस जन्म को, ये बस दूसरे जन्म भी नहीं दे सकेंगे। उन्होंने इतना हेल्प कर रखा हमारा, और गांव में जो भी काम होता छोटा बड़ा वो ही करते हैं सारा काम। और मैंने सोचा कि उनकी भी बहुत खेती है, वो भी लगा ही रहे हैं। और तब मैंने सोचा हम भी थोड़ा सा घर का काम करते हैं, थोड़ा घास निकालते हैं, थोड़ा कुछ आंसू बोते हैं मनवा को। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा आज का, तो गेहूँ की कल दिए हमने, गेहूँ भी निकाल दिए हैं, गेहूँ का काम खत्म हो गया है, बस सुखाने सुखाने के लिए बहुत वही ऐसे थैलों पर भर रखे हैं घर पर। कभी बंदर आ रहे हैं और कभी लंगूर आ रहे हैं घर पर, और खेतों में तो कर दिया नुकसान पर घर पर ही आ रही हैं। तो अब लगते हैं काम पे मम्मी की मदद, और मेरे को भी अभी कॉलेज का बहुत ज़्यादा काम है, एक साथ मम्मी की मदद भी हो जाएगी, फिर घर जाके पढ़ाई करूँगी मैं, कॉलेज का काम भी है मुझे बहुत ज़्यादा। तो पहले इस खेत का जो खरपतवार है वो निकाल दूँगी कुदाल से, तो अब मम्मी की हेल्प करते हैं। अब हमने इस खेत में देखिए कुदाल से इतना बीज बो दिया है, और यहाँ से नहर भी डाल दी है क्योंकि बरसात के टाइम यहाँ भयंकर वाला पानी आता है, तो यहाँ पर नहर भी डाल दिया है। एक इधर साइड से डाली नहर और एक उधर बीच से डाल रखी है नहर, वहाँ पर देख सकते हो। तो अब थोड़ा ही रह रखा है खेत पर बीज बोने के लिए उधर साइड, जहाँ पर मम्मी कुदाल से कर रही है बीज को बो रही है, अच्छी तरह से खरपतवार भी निकाल रही है, तो थोड़ा सा रह रखा है। अब फाइनली हमने इस खेत में मंडुआ भी बो दिया है कुदाल से, और मेरे पे तो भयंकर वाली पसीना आ गई है और हाथ में भी दर्द हो रहा है। अब देखिए हमारा बीच वाला खेत कितना अच्छा लग रहा है जब आज हमने कुदाल से वो कर दिया है, और यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, ये देखिए आप लोग भी देख सकते हो। अभी हम यहाँ माल्टे की छांव में बैठ गए हैं, मम्मी तो बैठ गई है, मैं भी बैठती हूँ, और मम्मी यहाँ पे पी रही है जूस, वो भी ना पता है किसका, बुरांस का जूस। गिलास तो लाए नहीं तो ढक्कन में पी रहे हैं, और हाथ भी देखिए ऐसे मिट्टी के हो गए। बुरांस का जूस भी पी लिया है और अब थोड़ा एनर्जी आ रही है। और अभी हमें काटना है उधर साइड का खड़ीक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस खेत का खड़ीक है वो, ये देखिए ये है खड़ीक का पेड़, आधा तो मैंने काट रखा है, ऊपर बच रखा है थोड़ा सा, तो उसी को काटना है। और अब हमारा एक ही खेत बच रखा है इधर साइड का हल लगाने के लिए, वो भी ये वाला खेत, और ये सबसे बड़ा वाला खेत है। दोस्तों मुझे काटना है अब खड़ीक, तो आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी मम्मी ने काटना है सल्टी पे घास, और मैंने काटना है ये वाला पेड़ खड़ीक का, इस पेड़ का खड़ीक भी मैंने काट दिया है, और मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठा भी कर दिया है, एक सल्टी घास की निकाली मम्मी ने और 2-3 फूली खड़ीक की काट ली मैंने। मैंने भारी भी लगा दी है, और अब मैं चलती हूँ घर, मम्मी तो चले गई है, आप लोगों को मिलती हूँ मैं सीधा घर पर, तब तक के लिए बाय।
फाइनली मैं और मम्मी अभी गौशाला पहुंच गए हैं और घास हमने रख दिया है यहाँ पीछे, और अब हमारी तैयारी है भैंस को नहलाने की, और आज हम ले जाएंगे धारे पे भैंसे को नहलाने के लिए। और हमारी काली को नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये देखिए। तो अभी हम धारे पे पहुंच गए हैं, अब हम नहलाएंगे काली को, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि काली का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे भागती है ना, उधर तक चले जाएगी, उधर नीचे तक चले जाएगी दौड़ के। काली को भी नहला लिया है, अब काली को बांधेंगे अंदर, भैंस और गाय दोनों को बांधेंगे हम अंदर। भैंस को तो मम्मी ने अंदर बांध दिया है, अब बांधेंगे गाय को अंदर। फाइनली मैं घर भी पहुंच गई हूँ, और मम्मी ने यहाँ बाहर पे डाल रखे हैं गेहूँ सुखाने के लिए, कुछ यहाँ पे डाल रखे हैं और कुछ यहाँ पे डाल रखे हैं, और जो ये बरसाती में हैं ये हैं बीज के गेहूँ, और ये हमारे खाने लायक गेहूँ। इनमें अभी कबाड़ ऐसे ही है, जितनी अच्छी धूप लगेगी वैसे ही हम इस कबाड़ को छानते जाएंगे, और यही हमारा आटा वाला गेहूँ है। दोस्तों आप करते हैं घर का काम, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव।